लुबना की रसोई में आज हम बनाने जा रहे हैं मटन भुना मसाला। यहाँ पर जो मैं मटन भुना मसाला बना रही हूँ वो बिल्कुल ही रेस्टोरेंट स्टाइल है, जैसे रेस्टोरेंट में बनाए जाते हैं उसी तरीके से मैं आज आपको बता रही हूँ। तो फिर चलिए हम अपनी रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर मैंने 1/2 kg मटन का गोश्त लिया है, ये मिक्स गोश्त है, इसमें हड्डी भी है और गोश्त के पीसेस भी हैं। इसे मैंने अच्छे से साफ़ कर लिया है। 1/2 किलो गोश्त के लिए यहाँ पर मैंने 4 मीडियम साइज़ की प्याज ली है, जिसमें से मैं 2 प्याज को स्लाइस कट करूँगी और 2 प्याज का मैं बारीक चॉप कर लूँगी। यहाँ पर मैंने 2 प्याज को स्लाइस कट कर ली है, आप देख सकते हैं, और 2 प्याज को यहाँ पर मैंने बारीक चॉप कर लिया है। दो मीडियम साइज़ के टमाटर हैं, टमाटरों को भी मैंने बारीक चॉप कर लिया है। यहाँ पर मैंने 3 तेज़पत्ता लिया है, 3 छोटी इलायची है, 1 टुकड़ा दालचीनी का है, 1 बड़ी इलायची है, 4 लौंग है और 12 से 15 गोल काली मिर्चें हैं। अब यहाँ पर मैं रोबो कुक के बर्तन में 3 बड़े चम्मच ऑयल डाल रही हूँ, ये सरसों का ऑयल है। इसे हम अच्छे से गर्म कर लेंगे ताकि इसकी कच्ची स्मेल निकल जाए। अब इसके बाद मैं इसमें खड़े गर्म मसाले डाल रही हूँ जो हमने लिया था। स्लाइस की हुई प्याज को ऐड कर देती हूँ। प्याज को मुझे गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई करना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं प्याज हमारी बहुत अच्छे से गोल्डन ब्राउन हो गई है। अब मैं इसमें 2 छोटी चम्मच से अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड कर रही हूँ। अदरक लहसुन के पेस्ट को भी मैं यहाँ पर 1-2 मिनट तक फ्राई करूँगी ताकि इसकी भी कच्ची स्मेल अच्छे से निकल जाएगी। फिर अब यहाँ पर मैं अपने मटन के गोश्त को ऐड कर रही हूँ, सभी को अच्छे से मिक्स करेंगे। अब यहाँ पर मैं 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर ऐड कर रही हूँ, 1 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर है, 1 टीस्पून धनिया पाउडर है और 1 टीस्पून गरम मसाला पाउडर है। नमक यहाँ पर मैं 1 टीस्पून ले रही हूँ, आप अपने स्वाद के अनुसार लें। सभी चीज़ों को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे और सभी चीज़ों को कम से कम 2 से 3 मिनट तक भुनेंगे। यहाँ पर मैं 100 ग्राम दही ऐड कर रही हूँ, दही को मैंने पहले अच्छे से फेंट लिया था, इसके बाद ही मैं ऐड कर रही हूँ। अब सभी को अच्छे से मिक्स करके सभी चीज़ों को अच्छे से हम भुनेंगे कम से कम 10 से 15 मिनट के लिए। मैंने रोबो कुक में सॉटे मोड के मीडियम आंच पर इसको सेट कर दिया है। अब मैं इसे आराम से भून रही हूँ, बीच बीच में आप चलाते रहें। जब ऑयल नज़र आने लगेगा तब हम समझ जाएंगे हमारा जो मटन का मसाला है वो अच्छे से भुन गया है। आप देख सकते हैं हमारा जो मटन का मसाला है बहुत अच्छे से भुन गया है, ऑयल नज़र आने लगा है, लेकिन अभी हमारा जो मटन है वो अभी कच्चा है। इसको हम उबालेंगे, प्रेशर कुक करेंगे ताकि हमारा जो मटन है वो अच्छे से गल जाए। मटन हमारा अच्छे से मसाले में भुन चुका है। अब मैं यहाँ पर 1/2 ग्लास पानी ऐड कर रही हूँ। मैं अपने मटन के गोश्त को प्रेशर कुक करूँगी रोबो कुक में। इसके लिए मैंने रोबो कुक के प्रेशर कुक के मोड पर मीडियम मोड पर मैंने इसे 20 मिनट के लिए सेट कर दिया है। इस तरह से आप अगर भुना मसाला बनाएंगे तो आपका मटन भुना मसाला बहुत टेस्टी बनेगा। यहाँ पर मैं रेस्टोरेंट में जैसे बनाते हैं उसी स्टाइल में बना रही हूँ। आप इस रेसिपी को घर पर ज़रूर ट्राई करें। गैस के ऊपर मैंने एक पैन चढ़ा दिया है और उसमें 2 बड़े चम्मच सरसों के ऑयल डाल दी हूँ। ऑयल के गर्म होने पर चॉप की हुई प्याज ऐड कर देती हूँ। चॉप की हुई प्याज को यहाँ पर मैंने गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई कर लिया है। अब फ्राई होने के बाद मैं यहाँ पर अपने चॉप किए हुए टमाटर को ऐड कर दूँगी। सभी को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब यहाँ पर मैं 1/3 टीस्पून हल्दी पाउडर ऐड कर रही हूँ, 1/2 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर है और 1/2 टीस्पून धनिया पाउडर है और 1/2 टीस्पून नमक है और 2 हरी मिर्चें हैं जिनको मैंने बारीक चॉप कर लिया है। हम यहाँ पर मसाले की क्वांटिटी थोड़ा कम ले रहे हैं क्योंकि हम ऑलरेडी पहले भी मसाला ऐड कर चुके हैं। अब सभी चीज़ों को हम अच्छे से भून लेंगे जब तक हमें अपने मसालों में ऑयल नज़र नहीं आने लगेगा, जब तक हमको इसको भूनना है। अब देख सकते हैं मसाला हमारा बहुत अच्छे से भून गया है, ऑयल भी नज़र आने लगा है। 20 मिनट के बाद रोबो कुक को ओपन करके देखेंगे कि गोश्त हमारा पका है कि नहीं। अब यहाँ पर मैं एक पीस लेके उसे चेक करती हूँ कि हमारा मटन कितने अच्छे से गल गया है। ये दब रहा है, इजिली दब रहा है, मतलब ये बहुत अच्छे से पक चुका है। अब यहाँ पर मैं चॉप किए हुए प्याज टमाटर के मसाले को ऐड कर रही हूँ, सभी को अच्छे से मिक्स कर देंगे। रेस्टोरेंट में इसी तरीके से मटन को अलग से पकाया जाता है और जो भी आप डिश डिमांड करेंगे उसके अकॉर्डिंग मसाला को बनाकर इसमें मिक्स किया जाता है, इसलिए मैं यहाँ पर वैसे ही बना रही हूँ। अब प्याज और टमाटर के मसाले को मिक्स करने के बाद यहाँ पर मैं 1/2 टीस्पून गरम मसाला ऐड कर रही हूँ, 1/2 टीस्पून कसूरी मेथी है। इससे जो हमारा भुना मसाला है वो बहुत ही टेस्टी बनेगा। अब मैं इसे
10 मिनट तक अच्छे से भूनूंगी ताकि सभी चीज़ें हमारी अच्छे से मिक्स हो जाए और बहुत ही टेस्टी बने। यहाँ पर मैंने रोबोकुक को सौते मोट के हाई आँच पर सेट किया हुआ है। अगर आप गैस में बना रहे हैं तो गैस की आँच को हाई रखें और इसे अच्छे से चलाते रहें। जब इसमें अच्छे से ऑयल नज़र आने लगेगा मतलब हमारा मटन भुना मसाला बिल्कुल रेडी हो गया है। मटन के गोश्त को 10 मिनट तक भून लिया है, आप देख सकते हैं ऑयल हमारा ऊपर आ गया है और ये बहुत अच्छे से भून गया है। हमारा टेस्टी भुना मसाला बिल्कुल रेडी है। ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी है और रेस्टोरेंट स्टाइल है, आप इसे ज़रूर ट्राई करें। मटन भुना मसाला रेस्टोरेंट स्टाइल बिल्कुल रेडी है। आप इस रेसिपी को घर पर ज़रूर ट्राई करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं। और लुबना की रसोई चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। अपना ख्याल रखें।